तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी गुड न्यूज मैं आप सभी को देना चाहूंगा कि थाईलैंड का जो वीजा फ्री पॉलिसी था दैट वाज सपोज टू एक्सपायर ऑन 11 नवंबर 2024, उसे ऑफिशियली एक्सटेंड कर दिया गया। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो न्यू दिल्ली में जो लॉयर था, एम्बेसी है, उनको ऑफिशियली इंस्ट्रक्शन मिल चुका है बाय टैट, यानी कि बाय टूरिज्म अथॉरिटी ऑफ थाईलैंड, टू कंटिन्यू दी वीजा फ्री पॉलिसी। यानी मान लो अगर आप 11 नवंबर 2024 के बाद भी आप थाईलैंड जाना चाहते हो तो आप बिना किसी वीजा के थाईलैंड जा सकते हो एंड यू कैन स्टे फॉर अप टू 60 डेज। और मान लो अगर आप 60 दिन से ज्यादा रहना चाहते हो, आप अपने जो स्टे उसे एक्सटेंड करना चाहते हो, तो आप एक्सटेंड कर सकते हो फॉर अप टू 30 डेज आफ्टर परमिशन फ्रॉम द लोकल इमिग्रेशन ऑफिस। तो वीजा फ्री पॉलिसी को एक्सटेंड करने का रीजन क्या है, वो रीजन भी मैं आपको बता देता हूं। तो थाईलैंड में लगभग 9.4 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट आए इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2024, जिससे कि थाईलैंड को लगभग 12.4 बिलियन डॉलर का आर्थिक योगदान हुआ। और हालांकि अक्टूबर 2024 तक थाईलैंड में लगभग 1.64 मिलियन इंडियन टूरिस्ट दर्ज किए गए, मेकिंग इंडिया द थर्ड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल विजिटर्स आफ्टर मलेशिया एंड चाइना। और थाईलैंड का लक्ष्य इस साल 40 मिलियन टूरिस्ट का स्वागत करने का है, रीचिंग क्लोज टू इट्स प्री पेंडेमिक हाई इन 2019। और टीएटी यानी कि टूरिज्म अथॉरिटी ऑफ थाईलैंड को यह उम्मीद है कि इस साल के अंत तक इंडियन टूरिस्ट की संख्या 2 मिलियन का आंकड़ा पार कर जाएगी। तो इन्हीं कारणों की वजह से टैट ने जो है, यानी कि टूरिज्म अथॉरिटी ऑफ थाईलैंड ने जो है, वो वीजा फ्री पॉलिसी को एक्सटेंड कर दिया है। तो बिना किसी वीजा के आप थाईलैंड जा सकते हो। अगर कुछ चेंजेस भी करना होगा उनको तो अगले साल ही करेगा, यानी जैन में ही करेगा अगर करना है तो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी कुछ भी चेंजेस करके वो इस पॉलिसी को स्क्रैप कर देगा, मुझे नहीं लगता, क्योंकि इतना उनको बेनिफिट हो रहा है, इतना रेवेन्यू उनको मिल रहा है, तो इस हिसाब से तो मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि वो अगले साल भी इसे कंटिन्यू रखेगा और ये चलता ही रहेगा अभी फिलहाल, क्योंकि जैसे उन्होंने कहा है, जैसे टीएटी यानी कि टैट ने, यानी कि टूरिज्म अथॉरिटी ऑफ थाईलैंड ने कहा है, मतलब इस साल के अंत तक उनको ये उम्मीद है कि इंडियन टूरिस्ट का जो आंकड़ा है वो 2 मिलियन को भी पार कर जाएगा, जिससे कि उनको 90 मिलियन बाद का रेवेन्यू मिलेगा। हालांकि 5 नवंबर को मैंने रॉयल थाई कॉन्सुलेट जो न्यू दिल्ली में पड़ता है उनको मैंने मेल किया था, और ठीक अगले दिन यानी कि 6 नवंबर को ही मुझे उनका रिप्लाई आया था। तो वो कहते हैं कि डियर रिकी, द रॉयल थाई गवर्नमेंट अनाउंसेस न्यू वीजा मेजर्स, द 60-डे वीजा एग्जेम्पशन फॉर इंडियन ऑर्डिनरी पासपोर्ट होल्डर्स फॉर द पर्पज ऑफ टूरिज्म, बिजनेस एंगेजमेंट्स और अर्जेंट वर्क और एडॉक वर्क, इफेक्टिव फ्रॉम 15 जुलाई 2024 एंड विल रिमेन इन इफेक्ट अंटिल फर्दर नोटिस। तो इसे यही पता चलता है कि जो 60 डेज का जो वीजा एग्जेम्पशन पॉलिसी है वो इसे कंटिन्यू रखेंगे। आगे वो लिखते हैं कि therefore they are not required to apply for a tourist visa at the Royal Thai Embassy and Royal Thai Consulate Generals including a visa on arrival। इसका मतलब आपको वीजा ऑन अराइवल लेने की जरूरत नहीं है और आपको ट्रांजिट वीजा की भी जरूरत नहीं है। और इनकेस अगर आपका कोई कनेक्टेड फ्लाइट है और लेओवर आपका 10, 12 या 15 या 20 घंटे का है, मान लो 15 घंटे का अगर आपका लेओवर है, तो वीजा फ्री एग्जेम्पशन के तहत आप अपना इमिग्रेशन क्लियर करके आराम से थाईलैंड को एक्सप्लोर कर सकते हो 10-12 घंटे के लिए, और फिर 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पर आकर अपने जो कनेक्टेड फ्लाइट है उसे आप लेकर सीधा आपका जो एक्चुअल डेस्टिनेशन है उसके लिए निकल सकते हो। तो ये एक बेनिफिट है। और नीचे उन्होंने एक लिंक भी दी है, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है वो न्यू थाईलैंड वीजा मेजर्स यानी पूरा डिटेल में दिया है कि वीजा एग्जेम्पशन की पॉलिसी में कितने कंट्रीज आते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इंडिया का भी नाम और वीजा ऑन अराइवल में कितने कंट्रीज आते हैं, तो ये सारी डिटेल्स उन्होंने मेंशन किए। तो खैर, अब मैं वापस पीछे जाता हूँ और यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि आगे उन्होंने क्या कहा। तो आगे वो कहते हैं कि अपॉन अराइवल द ट्रैवलर कुड बी रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट द नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन टू द इमिग्रेशन ऑफिसर सच एज ए कन्फर्म आउटबाउंड टिकट, कन्फर्म एकोमोडेशन एंड प्रूफ ऑफ फाइनेंस। कैरिंग ए मिनिमम ऑफ 20,000 थाई बात इन कैश फॉर ईच पर्सन इज रिकमेंडेड। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर उन्होंने कहा है कि 20,000 थाई बात एक्चुअली इज 10,000 थाई बात इन कैश फॉर ईच पर्सन एंड 20,000 थाई बात इन कैश फॉर फैमिली। तो अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो तो आपको 10,000 थाई बात इन कैश कैरी करना पड़ेगा, और फैमिली के साथ अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो 20,000 थाई बात कैश आपको कैरी करना पड़ेगा। वैसे तो मैं कई बार थाईलैंड जा चुका हूँ, लेकिन उन्होंने कभी आज तक मुझसे कैश दिखाने के लिए पूछा नहीं, बट यू नेवर नो। इसलिए आप जो थाई बात है वो कैरी कर ही लेना अपने साथ। और आगे वो कहते हैं कि अंडर द वीजा एग्जेम्पशन स्कीम यू कैन गो डायरेक्टली टू द इमिग्रेशन काउंटर विदाउट पेइंग द फी। तो जैसे आप थाईलैंड में लैंड करोगे, यानी वाकई जो एयरपोर्ट पर आप लैंड करोगे, तो आपको सीधा जाना है इमिग्रेशन काउंटर पर और अपना इमिग्रेशन क्लियर करके सीधा बाहर निकल जाना है विदाउट पेइंग एनी फी। तो एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी आप थाईलैंड के एयरपोर्ट पर लैंड करोगे तो वहाँ पर कुछ ऑफिसर्स भी खड़े रहते, तो वो आपको सीधा कहेंगे कि आप हमारे साथ आइए, हम आपको एक्सप्रेस लाइन में भेजते हैं, और इसी बहाने वो 200 से 300 बात आपसे चार्ज कर लेंगे। कुछ लोग डर के मारे चले भी जाते हैं उनके साथ और 200 से 300 बात बिना वजह वो पे भी कर देते। तो ये गलती मत करना, ये बेसिकली एक स्कैम है जिसमें टूरिस्ट जो है वो आसानी से फंस जाता है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई ऑफिसर आपसे कहेगा कि आप हमारे साथ आइए हम आपको एक्सप्रेस लाइन में भेजते, तो आप उनसे सीधा कहना कि हमें एक्सप्रेस लाइन में नहीं, हमें नॉर्मल लाइन में ही जाना है, और सीधा आप नॉर्मल लाइन में खड़े रहकर सीधा अपना जो इमिग्रेशन है उसे क्लियर करके सीधा बाहर निकल जाना। और आखिर में वो कहते हैं कि पासपोर्ट वैलिडिटी इज रिकमेंडेड फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स बिफोर द ट्रैवल डेट एंड शुड नॉट एक्सपायर ड्यूरिंग योर ट्रैवल अब्रॉड। तो आपकी जो पासपोर्ट की जो वैलिडिटी है वो कम से कम 6 महीने की होनी चाहिए। तो अगर आपका पासपोर्ट 2 से 3 महीने में एक्सपायर होने वाला है, तो मैं तो आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप अपना पासपोर्ट को रिन्यू कर लीजिए, जिससे कि आपको आगे जाके कोई दिक्कत ना हो। और भाई, ये वीडियो एंड करने से पहले एक बात तो मैं आपको
जरूर बताना चाहूंगा कि अगर आप थाईलैंड जाने का प्लान कर रहे हो तो नवंबर टू मई इज द बेस्ट मंथ टू ट्रैवल टू थाईलैंड, क्योंकि मई के बाद तो बारिश शुरू हो जाएगा, मतलब मई से अक्टूबर फर्स्ट सेकंड तक बारिश ही रहता है। तो नवंबर टू मई इज द बेस्ट मंथ टू ट्रैवल टू थाईलैंड, तो अगर आप थाईलैंड जाने का प्लान कर रहे हो देन दिस इज द राइट टाइम टू ट्रैवल टू थाईलैंड। तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अपडेट जरूर पसंद आया होगा। अगर आपके कुछ सवाल है रिगार्डिंग थाईलैंड या रिगार्डिंग एनी अदर कंट्री तो आप अपने सवाल कमेंट के जरिए मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपके सभी सवालों का जवाब जरूर दूंगा। देन कीप स्माइलिंग, कीप इंस्पायरिंग एंड पैक योर बैग्स एंड गेट रेडी टू एक्सप्लोर थाईलैंड। बाय।